स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑफिशियल प्रॉपर्टी कलाकार में। फिर से एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के साथ दोस्तों, वृंदावन के अंदर बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्राइम लोकेशन के पास में आज आपके लिए लेके आए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्ट है दोस्तों। रेट बहुत ही अच्छे होने वाले हैं दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी हमारे चैनल पे आपको अक्सर देखने को मिलती है। तो हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं अभी क्या क्या इसके अंदर आपको मिलने वाली है, क्या कनेक्टिविटी होने वाली है और प्लॉटों के क्या साइज होने वाले हैं, वन बाई वन मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक मैं आपको इसका टूर दिखाता हूँ। देखिए आप आसपास की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको मिल रही है और ये न्यू प्रोजेक्ट है तो आपको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिख रहा होगा रोड वगैरह का, बट ये सारी चीज आपको कंप्लीट करा के दी जाएंगी। आप रोड देख सकते हैं, रोड का एक प्रॉपर आपको, और सबसे मेन चीज आपको जो प्लॉट है, जो प्लॉट बहुत ही अच्छे साइज में और बहुत ही अच्छी प्लेस में मिलने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। तो मैं भैया से फाइनली पूछता हूँ सारी चीज, भैया आपको बताएंगे क्या क्या कनेक्टिविटी है, क्या प्राइस होने वाले हैं और कुछ ऑफर चल रहा है वो कब तक हमारे पास वैलिड है। तो भैया राधे राधे भैया। श्री राधे भैया, असल में हम खड़े हैं श्री राधा रानी निकुंज के ऊपर। श्री राधा रानी निकुंज की जो लोकेशन है अगर उसकी बात करें तो जैसे हम यहाँ से देखेंगे लेफ्ट साइड ये लिंक रोड है छोटा, लेकिन ये ऑफिशियली जो रोड है ये 20 फीट का है अभी, लेकिन जो प्रेजेंट में देख रहे हैं आप छोटा रोड देख पा रहे हैं, लेकिन आप भविष्य में आपको 20 फीट मिलने वाला है क्योंकि ये सरकारी में दर्ज है उस हिसाब से। इसके अगर राइट साइड देखेंगे तो एक हमारी पुरानी सोसाइटी है वृंदा ऑर्चर्ड, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे मात्र। अगर इसके बैक साइड में देखेंगे तो 100 मीटर की दूरी पे हमारा एक विलेज पड़ता है नारायणपुर, जो वृंदावन के अंदर ही आता है। और सबसे खुशी की बात आपको ये बता देता हूँ, ये जो हमारा लैंड है ये नगर निगम में आता है, यानी कि वृंदावन की सोसाइटी में ही लगता है, ऐसा नहीं किसी गाँव या किसी शहर के अलग से आता है, वृंदावन में ही आता है। और अगर बात करें लोकेशन की, अगर जैसे हम भाई के बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर VIP रोड है, जिसको हम जैत टू देवी अटस या वृंदावन बोलते हैं, ये VIP मार्ग है। सेम दूसरा VIP मार्ग अगर हम यहाँ से हम ऐसे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मात्र 500 मीटर की दूरी पर है हमारा कृष्णा कुटीर ओल्ड एज होम के नाम से, वो ओल्ड एज होम जो है मात्र यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। उससे अगर चंद्रोदय मंदिर की देखें तो दूरी मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि चंद्रोदय मंदिर से टोटली हम 2.5 किलोमीटर पे हैं यहाँ सोसाइटी के बीच में। चारों तरफ से आबादी से घिरा हुआ ये हमारा प्रोजेक्ट है, चाहे वो वृंदा ऑर्चर्ड हो, चाहे वो गणेशा होम हो, चाहे ये विलेज हो, हर तरफ से यानी कि आबादी से है। बात करते हैं रेट की, रेट अभी स्टार्टिंग जो है वो 5500 रुपये स्क्वायर यार्ड है, यानी कि 5500 रुपये स्क्वायर यार्ड ही आपको मिलेगा, यानी कि आपको 10 तारीख के बाद यही प्रोजेक्ट 6000 रुपये स्क्वायर यार्ड ही मिलने वाला है। यानी कि अभी ऐसे समझे कि हमने जो पंपलेट पे जो रेट डिसाइड किया है वो 6000 का ही किया है, लेकिन अभी शुरुआत में हम लोगों को 500 रुपये स्क्वायर यार्ड का, यानी कि 100 गज के प्लाट के ऊपर 50000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसे आप डिस्काउंट मान सकते हैं। और अभी आप देखेंगे तो उस डिस्काउंट के बदले आप इसका डेवलपमेंट देखेंगे तो मैं गारंटी कर सकता हूँ इस डेवलपमेंट में इस तरीके की लोकेशन पे अगर मेरे से कोई सस्ता प्रोजेक्ट अगर आपको देता है तो यहाँ मैं आपको एक प्लॉट खरीदने वाला हूँ। भैया जैसे प्रेम मंदिर वगैरह का डिस्टेंस क्या रहेगा यहाँ से? प्रेम मंदिर से मात्र यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर बाकी बारी देखे तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है।